में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर थॉरली कवर कर लिया है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 3 कवर किया और एनसीईआरटी क्लास 8 के रिसोर्सेज के चैप्टर से हमने शुरुआती रिसोर्सेज का हिस्सा कवर किया। अब हम डीआर कुल्लर की किताब से वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर को प्रोसीड करेंगे और जानते हैं आप कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस बढ़ जाएंगी, डिटेलिंग ज़्यादा होने लग जाएगी, फिर जितने भी कॉन्सेप्चुअल और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी इसी में कवर हो जाएंगे, जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स वो भी हो जाएगा, सरकार की जो नई योजनाएं हैं वो भी इसी में कवर हो जाएंगी, मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये चैप्टर बड़ा रहेगा, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, दैट्स वाई चैप्टर विल बिकम कॉम्प्रिहेंसिव। ओके चलो शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये सारी काम आएंगी। हम सब ये जानते हैं कि पानी का महत्व बहुत है, अगर हम उसे लाइफ सस्टेनेंस एलिमेंट के रूप में देखें, लाइफ उसी के बेस पे सर्वाइव होती है। ऐसा एक तर्क दिया जाता है कि खाने के बिना आप महीना भर भी जीवित रह सकते हैं, फॉर द मंथ यू कैन सर्वाइव विदाउट फूड, बट जल के बिना, पानी के बिना आप एक सप्ताह से ज़्यादा, एक वीक से ज़्यादा जीवित शायद ना रह पाएँ, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में जीवन के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। सोलर सिस्टम में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जल है, कहीं भी और जल या जल के ट्रेसेस अभी मिले नहीं। खोज चल रही है बट अभी वो प्रमाणित रूप में नहीं मिला, और पृथ्वी ही फिर एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। तो अर्थ पे ही लाइफ है एंड दैट इज़ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। ओके, इंडिया सरफेस वाइज अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड का 2.5% सरफेस ऑक्यूपाई करता है, 2.4% कह लीजिए, मैंने प्रिसाइज फिगर बता दी। पूरे वर्ल्ड के सरफेस का 2.45% सरफेस इंडिया ऑक्यूपाई करता है। पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन इंडिया में बसती है, और पूरे वर्ल्ड में जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसका 4% शेयर इंडिया के पास है। इसका मतलब इंडिया एक बहुत ही वाटर रिच कंट्री है। अगर इंडिया के साइज़ को कंसिडर कर लिया जाए तो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट रेनफॉल इंडिया में ही कंसिडर किया जाता है। तो एक वाटर रिसोर्स रिच कंट्री है, कैन यू इमेजिन। लेकिन फिर भी पानी की किल्लतें हैं तमाम जगहों पर, वाटर स्कार सिटीज़ हैं। वही कहानी जो मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर में समझाई कि वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ही एक मेजर इशू है, अदरवाइज़ पानी की कमी तो कोई बड़ा कारण नहीं है। ओके चलिए इसी फैक्ट के बेस पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा भी है, जल आर्थिक सामाजिक रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, मतलब सोशो इकोनॉमिकली देखें तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। उसके बिना तो जीवन ही नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं, रोज़गार नहीं, खेती बाड़ी नहीं। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड दैट इज़ वाई आर अर्थ इज कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट। 71% पृथ्वी जो है हमारी वो जल से भरी है, जलमग्न है। बट द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये 71% पानी तो है और वाटरी प्लैनेट भी है, लेकिन मुद्दा ये है कि मनुष्य उपयोग में ला सके ऐसा जल कितना है, और दूसरा वो जो उपयोग में आने लायक जल है वो मनुष्य की रीच में है क्या? हमारी आज की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो आज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इकोनॉमिक कॉस्ट की वायबिलिटी को देखते हुए क्या वो जो वाटर है वो इकोनॉमिकली वायबल है? क्या वो हमारी रीच में है? क्या हम उसे एक्सेस कर सकते हैं? इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस चीज़ों को ज़रा देखें तो सिनेरियो टोटली बदल जाता है। आप एक वाटरी प्लैनेट में हैं लेकिन फिर भी विश्व भर में पानी की किल्लत है, दुनिया भर में पानी को लेकर के लड़ाइयाँ हैं। लंबे समय तक इसराइल और सीरिया में टाइबेरियस लेक या सी ऑफ गैलीलियो को लेकर के लड़ाई रही, ये लंबे समय तक चली, सारी दुनिया जानती है इसराइल और सीरिया में ये एक मेन रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट और टेंशन रहा है।
दुनिया भर में पानी के बंटवारे को लेकर के समस्या है। भारत पाकिस्तान के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर के समस्या रही और इंडस वाटर ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आई। चीन और भारत में पानी के बंटवारे को लेकर समस्या है। चीन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच में इसको लेकर के समस्या है। तो पानी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। जल को लेकर के कई लड़ाइयाँ हैं। भारत में कई इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। कारण है उसके, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो 71% वाला वाटरी प्लैनेट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर असल में है कैसा। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन अर्थ। पानी का वितरण है कैसे पृथ्वी पर, जरा इसे समझ लीजिए। तो अब सबसे पहले देखिए कि ये जो 71% पानी है प्लैनेट पे, अब इसके अगर 100% को हम डिवाइड करने पर आ जाएं, तो 97.20% तो पानी ओशियंस में है या सेलाइन लेक्स में है। यानी कि 97.20% पानी तो या तो ब्रैकिश है, नमकीन है, मतलब हमारे उपयोग में आने लायक है ही नहीं। तो 100% में से 97.20%, कहीं कहीं पर थोड़ी जनरलाइज फिगर की है तो उसे 97% लिखा गया है। टेंशन मत लेना, हम स्टैंडर्ड एक एकेडमिक बुक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे फिगर्स बहुत प्रिसाइज्ड होंगी। डाटा डीआर कूलर की बुक का मेन ताकत डाटा ही है। देखिए, आप ताकत जानना चाहते हैं, किताब की ताकत क्या होती है, तो किताब की ताकत ऐसी होती है कुछ कि ये मैंने जो लिखा आप सब जान रहे थे, ये मेरे हाथ में किताब ही थी और मैं किताब से ही लिख रहा था, इज़ दैट। और ये जो मैंने लिखा है ये वर्डिंग्स हैं। अच्छा, अब आप समझ सकते हैं किताब की ऑथेंटिसिटी कहाँ से इस्टेब्लिश होती है और क्यों हम इन स्टैंडर्ड ऑथर्स को फॉलो करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने ये टॉपिक सर्च किया और टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज इंडिया UPSC। ये सारे लिंक्स खुल जाएंगे और मान लीजिए कि पहला लिंक खुल गया, जो भी खोला खुल लेते हैं, ये पहला लिंक खुल गया, मैंने इनसाइट का लिंक खुला है, मैंने खोल दिया और क्या लिखा आ रहा है पढ़ लेते हैं। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स एंड अ की एलिमेंट इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स एंड अ की एलिमेंट इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, इरीगेशन, इंडस्ट्रीज एंड अ होस्ट ऑफ अदर पर्पसेज, हेंस इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। वाटर इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे, इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, इरीगेशन, इंडस्ट्रीज एंड अ होस्ट ऑफ अदर पर्पसेज। ओके, सो द एवरी फैक्ट, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी थिंग अबाउट 70% ऑफ द 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, बट वाटर ऑन अर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज यूजफुल फॉर ह्यूमन। इंडियाज वाटर रिसोर्सेज जो मैंने बुक से लिखे वहीं यहाँ पर लिखे होंगे। आप कोई भी खोल सकते हैं, बीट एनी थिंग, आपको कोई भी लिंक यू कैन ओपन, बीट एनी लिंक अवेलेबल ऑन द इसको पता नहीं कैसे बंद करते हैं भाई। तो ये कर लिया हमने, चलिए आ जाइए। इंडिया कवर्स 2.45% ऑफ द सरफेस एरिया, 4% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज, रेनफॉल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर अ कंट्री ऑफ इट्स साइज, इंडिया रिसीव्स द सेकंड मोस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इंडिया रिसीव्स एवरेज इतने मिलीमीटर सेंटीमीटर और सरफेस वाटर में इतना है इतना नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो द फैक्ट जो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर इन इंडिया, फ्रॉम प्रेसिपिटेशन अलोन इंडिया रिसीव दिस एंड दिस क्यूबिक किलोमीटर ऑफ द वाटर। सो द ऑथर विच इज ऑथेंटिक, every content on the internet is ultimately based on the content of that author, okay? तो हम जब क्योंकि book के wise जाते हैं जब ऐसी standard, तो data बहुत precise हो जाता है, points में आ जाता है, तो इसलिए tension नहीं लेनी। अगर NCERT में कहीं ये पढ़ेंगे कि ये 97% होगा, हम precise जा रहे हैं तो 97.20% है, okay? तो ocean saline lakes ही अपने आप में ही 97.20% है। अब जो बाकी बचा वो 2.80% होगा, वो क्या है, इसे ऐड करेंगे सारे को तो 2.799 समथिंग आएगा, मैंने कैलकुलेट कर दिया था बट मैंने लिख दिया फिगर इजी होने के लिए 2.80। तो अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। अगर मैं इसे निकाल दूं, अलग कर दूं, तो ये मैंने क्लब कर दिया सारा, ये हैं सोर्सेज फ्रेश वाटर के जो हमें चाहिए, मीठा पानी जो हमें चाहिए। तो इसमें सिर्फ सबसे पहले कौन है, सबसे ज़्यादा पानी, इस 2.80% पानी जो हमारे लिए उपलब्ध है, सिर्फ पीने योग्य पानी, कामकाज योग्य पानी हमारा, वो 100% में से 2.80% ही है। और उसमें से 2.15% तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में लॉक्ड है।
इट इज़ लॉक्ड इन द आइस कैप्स, आर्कटिक ओशियन है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, एंड देर आर मैनी ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स एक्सेप्ट देन द अदर देन द पोलर रीजन्स. सो इट इज़ स्टोर्ड इन टू दोज एरियाज. ओके, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस एंड इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली टू एक्सेस दैट वाटर एंड टू प्रोवाइड दैट वाटर टू द मासेस. तो उसे पहले तो एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, दूसरा उसे वहाँ से एक्सेस करके लोगों तक पहुँचाना वो बहुत कॉस्टली है, तो इट इज़ नॉट वाइबल. तो ये हमारे हाथों छूट जाता है. फिर बचता क्या है? अब बचा ग्राउंड वाटर. तो 0.64% है भाई ग्राउंड वाटर. मतलब अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ हमारे लायक पानी में, तो उसमें फिर दूसरे नंबर पे ग्राउंड वाटर ही आया, 0.64%. ये हम यूज़ करते हैं. उसके बाद आती हैं लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, लेकिन कितना है? 0.0085% ओनली. सरफेस वाटर है ना ये, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, इसे सरफेस वाटर कहते हैं ना. ओनली 0.0085%. और उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स, है ना, ये सारा मॉइस्चर जो है चार सफेरे, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, 0.00015%. तो मतलब सारा खेल अगर आप देखेंगे तो आप जो मेनली यूज़ कर पा रहे हैं वो सरफेस वाटर यूज़ कर पा रहे हैं और ग्राउंड वाटर. आपके जो मेन वाटर रिसोर्सेज हैं वो इन दोनों पर टिके हैं, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर पे. और उसमें से अगर आप देखें तो सरफेस वाटर टॉप पोजीशन ले जा रहा है, सॉरी ग्राउंड वाटर टॉप पोजीशन ले जा रहा है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस वाटर. और मार्जिन बहुत तगड़ा है कि ग्राउंड वाटर 0.64% है और सरफेस वाटर 0.0085% है. आई बात समझ में? तो मार्जिन बहुत तगड़ा है. तो टोटल हमारे पास जो एक्सेप्ट अदर देन द सलाइन वाटर सोर्सेज, सलाइन वानी को छोड़ दें, तो जो हमारे पास बचते हैं वो 2+3+4+5, इनको ऐड करिए इतने बचते हैं और वो है 2.80%. और अगर जनरलाइज ले लें तो 97% सलाइन है और 3% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है. और उसमें से मेजर हिस्सा तो चला जाता है 2.15% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में. तो ले दे के हमारे पास बचता है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर. उसमें टॉप पोजीशन फिर ग्राउंड वाटर की हो रखी है, याद रखना. तो इसलिए मैंने लिखा है कि जो टोटल फ्रेश वाटर है, टोटल फ्रेश वाटर दैट इज़ 2.80% या 3% कह लो, उसका 68% ऑफ फ्रेश वाटर तो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स ही हैं और 30% है फिर ग्राउंड वाटर. तो टोटल फ्रेश वाटर का 30% ग्राउंड वाटर है, 0.3% सरफेस वाटर है, जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड, स्वैम्प एटसेट्रा. तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, अब अपन आ गए हैं. पीछे भी क्वेश्चन आया था, अभी 2-3 साल पहले, और पीछे भी उसके पहले आया था. मैंने क्वेश्चन आपके लिए सेव करके रखा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसे देख लीजिए. हाँ, तो ये लीजिए. ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज फ्रॉम, 2013 क्वेश्चन है, ए बी सी डी. ए, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज फाउंड इन एटमोसफेयर एज मॉइस्चर एंड क्लाउड. नो, यू नो इट इज 0.00015%. ओके, बी इज फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स. नो, इट इज 0.0085%. इट एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर 0.64%. और इट एग्जिस्ट एज सॉइल मॉइस्चर. नो, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ग्राउंड वाटर. क्योंकि आइस कैप्स और ग्लेशियर्स तो उन्होंने ऑप्शन ऊपर ही डाल दिया, उसके बाद लार्जेस्ट प्रोपोर्शन किधर बच रहा है? वो आपने सामने आंसर है कि वो बच रहा है ग्राउंड वाटर में. ओके, तो पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97.20% तो नमकीन पानी निकाल दो, बाकी बचा 2.80% पानी मीठा. और उस मीठे पानी में से 68% तो पानी चला गया, यानी कि 2.15% सीधा आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में. कहानी असली बची हमारे हाथ में कौन सा पानी है, और वो 30% एक तो ग्राउंड वाटर और 1.3% जो सरफेस वाटर है. तो टॉप मोस्ट सोर्स फिर वो वाला ग्राउंड वाटर हुआ वर्ल्ड लेवल पर उस हिसाब से. आई बात समझ में? इसे कभी अब कन्फ्यूज़ मत करना. तो ग्राउंड वाटर का महत्व समझ लो. फिर खेती बाड़ी भी फिर वैसी ही प्रमोट की हमने, ग्राउंड वाटर खेती बाड़ी, और वही फिर डिप्लीट हो रहा है आज. इसलिए शहरों को चिंता कोई नहीं हुई, बेधड़क बस गए, क्योंकि पहले नदियों के किनारे किनारे गेम चलती थी, तो फिर तो टेंशन ही ख़त्म हो गई. क्योंकि पानी, जब टेक्नोलॉजी बिजली आ गई है, पानी अंदर से ही निकालना है धरती के, तो शहर बनाओ, बसाओ, बढ़ाओ, है ना. आज शहर एक सेंटर में बसता है, नदी के किनारे भी हो सकता है, लेकिन देखो आपको दिक्कत नहीं. शहर कितना एक्सपेंड हो जाता है आउटर एरियाज़ में, क्यों? अंडरग्राउंड वाटर पहुँच रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं.
लेकिन आज भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इजिप्ट लेकर के जाऊँ आपको, तो मेन सारा शहर कहाँ बसा हुआ है? नील के किनारे किनारे बसा है, नाइल रिवर के किनारे किनारे बसा है, उसके आगे फिर नहीं बसता है। ओके, ये कहानी। तो आज भी अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, द डेजर्ट प्रोन कंट्रीज़, द सहारा रीजन, इसलिए आज भी वहाँ के मुख्य शहर कस्बे सारे ओसिस के अराउंड ही बसे होते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर की उतनी स्कोप है नहीं। हालांकि है वहाँ भी, उसे फॉसिल वाटर कहते हैं, बहुत गहराइयों में है, लीबिया उसका प्रयोग करता है उतने, लेकिन फिर भी उतने व्यापक, उतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। इसलिए ओसिस जो है वो मेन सेंटर ऑफ पॉपुलेशन है, लोग उसी के आसपास बसते हैं, चाहे जैसे वो मदीना है, एक मेन ओसिस है, उसके आसपास लोग बसे हुए हैं। तो ये फिगर सब आपको याद हो चुकी हैं और उसको एक्सप्लेन करने वाला ये सारा फैक्ट भी क्लियर हो चुका है। ओके, अच्छा, अब ये तो हमारे पास है पूरे पृथ्वी के स्तर पर, अर्थ लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। चलो अब यूज़ ऑफ वाटर भी तो क्लियर होना चाहिए ना हमें, पानी का इस्तेमाल किधर, कौन से सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, अकेला एग्रीकल्चर ही 93.37, कुल 100% जो पानी है उसका 93.37% अकेला एग्रीकल्चर यूज़ कर रहा है, मतलब ब्रूट मेजॉरिटी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कोई डायलेमा ही नहीं है। 93.37% एग्रीकल्चर, उसके बाद म्युनिसिपल एंड रूरल वाटर, रूरल माने गांव घर, गांव के घर, म्युनिसिपल माने शहर के घर। लोकल बॉडीज़ में म्युनिसिपल शहरों के लिए होती है और पंचायतें फिर गांव के लिए होती है। तो यहां पर म्युनिसिपल और रूरल वाटर सप्लाई का मतलब सीधा डोमेस्टिक बोला गया है, डोमेस्टिक घरों में, आपके घर में पानी आ रहा है म्युनिसिपलिटी से आ रहा है, गाँव में रहते तो फिर रूरल वाटर सप्लाई पंचायतों से आता, इसको डोमेस्टिक मान लो। तो सेकेंड नंबर पर आ रहा है फिर डोमेस्टिक 3.73%, और थर्ड नंबर पे जाके आ रही है इंडस्ट्री। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखना है, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक, इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर, म्युनिसिपल वाटर और फिर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और साथ में पावर जनरेशन भी जुड़ा हुआ है, तो दैट इज़ वही पावर जनरेशन इंडस्ट्री में आ जाएगी। 1.26%, अंतर भी काफ़ी खासा ज़्यादा बड़ा है। और उसके बाद लाइफ स्टॉक के लिए 1.08%, इसे कहीं फिर एग्रीकल्चर में जोड़ दूँ तो एग्रीकल्चर का फिगर और कितना बड़ा हो जाता है, लगभग 94-95% हो जाएगा। उसके बाद अदर्स में 0.56%। तो ख़त्म कहानी यहाँ ख़त्म होती है, सिंपल, टॉप पे एग्रीकल्चर कंज्यूमर है सबसे ज़्यादा, उसके बाद म्युनिसिपलिटी, लोकल बॉडीज़ कंज्यूमर है माने घर, उसके बाद उद्योग, इंडस्ट्री, दैट्स ऑल, उसके बाद लाइफ स्टॉक आता है। टॉप पहले तीन हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो यूजेज भी क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो गया, और समझ में आ गया कि प्लैनेट तो वाटरी है पर अपने लिए उसमें से आता है सिर्फ 2.80, और उधर भी देखो तो आइस कैप में स्टोर है, ले दे के कहानी खड़ी है सिर्फ इतने पे ही, और इसे जोड़ करके देखो 0.64 और उसके बाद 0.0085, तो फिगर हैरानीजनक आएगी कि मतलब कि 1% भी अगर मिल जाए कुछ तो ज़िंदगी बन जाए, वो भी नहीं मिल रहा। तो प्लैनेट पे तो पानी पानी है, लेकिन फिर हमारे लायक उपयोग में कितना आने लायक है। ओके, एक फिगर के बाया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक पिक्चर आपको दिखाऊँगा, आप उस पिक्चर को समझिए, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से क्लियर करा देगी। अच्छा, ये देखिए, सबसे तीन फिगर्स एक साथ दी गई हैं। सबसे पहले जिस फिगर पर हमें ध्यान देना है वो इस फिगर पर देना है। चलो समझो, देखो, सबसे पहले ये है कि ये कुल पानी है सारा, ये टोटल पानी है, और उस टोटल पानी में से यहाँ पे दिखाया गया है कि ओशियंस ने 96.5% ऑक्यूपाई किया है और अदर सलाइन वाटर ने 0.9%। तो 96.5.9, लगभग 97.4 या 5 तो इन्होंने ही चपेट लिया है। उसके बाद ऊपर ये जो कुछ बच रहा है वो बचा हुआ पानी नीला नीला, अब ये जो बचा है ये फ्रेश वाटर है। अब फ्रेश वाटर पे आ जाओ, ये फ्रेश वाटर का कॉलम है। अब फ्रेश वाटर जो है उस कॉलम में देखो 68.7% ग्लेशियर एंड आइस कैप्स में चला गया है, सिर्फ 30.1% ग्राउंड वाटर में है और बाकी फिर सरफेस वाटर के रूप में है। अब इसको आगे इधर ले आओ, ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट में 69.0% है। अब हमने ये ग्राउंड क्या कहते हैं उसको, आइस कैप्स इधर और लेक्स सरफेस वाटर सारा जो डिवाइड किया वो इधर 20.9% लेक्स में, हमने नदियों को भी इसमें शामिल कर लिया, तो कुल मिला के ये हमारा 100% पानी है, उसका फ्रेश वाटर सिर्फ इतना ही है, और वो फ्रेश वाटर जब ग्लेशियर और आइस कैप्स में निकाल के साइड किया, ये ग्राउंड एंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट 69.0%, लेक्स रिवर्स सारा कुछ 20.9%, तो कहाँ ये 70%, कहाँ ये लगभग 20%, तो इसलिए ग्राउंड वाटर डोमिनेट करता है। ओके, इज दैट क्लियर, तब ये ठीक है।
अब शुरुआत करते हैं, हमने ये सिनेरियो देखा। अब वाटर रिसोर्सेज, इंडिया, इंडियाज वाटर रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं। चलो शुरुआत होती है, देखो, रेनफॉल इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्वेश्चन में भी डाल के फंसाया जा सकता है कि भारत में फ्रेश वाटर का मेन सोर्स कौन है। तीन ऑप्शनों के साथ एक में रेनफॉल भी डाला तो कई बार आप उलझ सकते हैं। लॉजिकली देखा जाए तो फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट सोर्स रेनफॉल ही तो होगा इंडिया में, सोचने वाली बात है। देखो मैंने आपको एक बात बताई कि अफ्रीका में कई इलाके हैं सहारा के ऐसे, और इवन सऊदी अरेबिया में भी, जहाँ पर गहराइयों में जा कर के, किसी ज़माने में जब यहाँ पर वेजिटेशन हुआ करती थी और ये वेट रीजन्स होते थे, उन ज़मानों में पानी ज़मीन के अंदर जो ट्रैप हो रखा है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो उसे फॉसिल वाटर के रूप में हम जानते हैं, डीप जा कर के मिलता है पर वो पानी निकाला जाता है। पर वो आज मौजूदा समय में हो रही बरसातों के कारण तो नहीं है ना, वो तो पहले का है। तो हमारे भारत में अगर बात करें, अब आप पानी झील से लें, झरने से लें, तालाब से लें, नदी से लें, आप पानी ज़मीन के अंदर से लें, कहीं से भी लें, सोर्स कौन है उसका? बरसात, रेनफॉल। रेनफॉल ही से नदियों को पानी मिल रहा है, साउथ की नदियों को तो सीधे रेनफॉल से मिल रहा है, नॉर्थ की नदियों को सीधे रेनफॉल से मिल रहा है। और दूसरी बात, जब मैं रेनफॉल की बात कर रहा हूँ तो बात यहाँ प्रेसिपिटेशन की हो रही है, तो प्रेसिपिटेशन में सॉफ्ट स्नोफॉल भी होता है, तो हिमालयों को बर्फ़ भी स्नोफॉल से मिल रही है, तो वही मेल्ट होकर के पानी बन रहा है। अच्छा चलो इसको छोड़ दें, जितने भी हमारे ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स हैं वो हर साल बारिश से ही रिचार्ज होते हैं। तो चाहे आप पानी ग्राउंड वाटर से निकालो, चाहे आप पानी झील, झरने, नदियों से लो, कहानी एक ही है, उसका स्रोत वर्षा ही है, प्रेसिपिटेशन ही है। तो इंडिया में फ्रेश वाटर का जो सोर्स है दैट इज़ द रेनफॉल। सो रेनफॉल इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। फ्रॉम प्रेसिपिटेशन अलोन, प्रेसिपिटेशन में यहाँ पे इंक्लूडिंग स्नोफॉल भी है, फ्रॉम प्रेसिपिटेशन अलोन इंडिया रिसीव्स 4000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर। इसको ऐसे लिखा जाएगा, मैंने क्यूबिक लिख दिया, ये ऐसे लिखा जाएगा, किलोमीटर के ऊपर तीन डाला जाएगा, ओके। और ये जो क्यूबिक किलोमीटर है 4000, इसको पुकारने का एक और तरीका है, आप इसे एक और यूनिट में पुकार सकते हैं, दैट इज़ BCM, दैट इज़ बिलियन क्यूबिक मीटर, दैट इज़ बिलियन क्यूबिक मीटर, या तो क्यूबिक किलोमीटर कह लीजिए या उतने बिलियन क्यूबिक मीटर। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 4000 क्यूबिक किलोमीटर। अगर किलोमीटरों से मीटर में ले आ रहा हूँ इधर, तो फिर वो बिलियन फिगर आ जा रही है, ओके। दोनों इधर मैनर में आप पुकार सकते हो। तो हमने लिखा है कि फ्रॉम प्रेसिपिटेशन अलोन इंडिया रिसीव्स 4000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर, और ये अच्छी खासी तादाद है। अच्छा ये तो कुल टोटल रेनफॉल से मिल रहा है, बट इंडिया में भी रेनफॉल अलग अलग तरह की है, इंडिया में रेनफॉल अलग अलग टाइप की है। उसमें से द मेन रेनफॉल इज़ द मॉनसूनल रेनफॉल, जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान होती है। इसके अलावा हमारे देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कई क्षेत्रों में भी तो बरसातें होती हैं, वो नवंबर से शुरू होती हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पंजाब में जो बरसातें आती हैं दे आर फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, दे आर नॉट द मॉनसूनल रेनफॉल। और इसके अलावा तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में रीट्रीट मानसून से भी सर्दियों में बारिशें होती हैं। सो हम अगर कुल बरसात से 4000 क्यूबिक किलोमीटर वर्षा हो रही है, तो आप देखिए मानसून का इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर पर कितना डोमिनेंस है, कि इसमें से अकेले 3000 क्यूबिक किलोमीटर जो वर्षा है वो तो सीधे सीधे हमें रिसीव हो रही है मानसून के समय में, ओके। सो इंडिया रिसीव 4000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन, मैंने वर्षा कह दिया था पानी, ऑफ दिस मॉनसून रेनफॉल दैट इज़ फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर अलोन अकाउंट्स फॉर अबाउट 3000 क्यूबिक किलोमीटर। तो ऐसे में मॉनसून थोड़ा सा भी अनसर्टेन हो गया जिस ईयर, या थोड़ा सा भी स्लाइटली कम हो गया, डेविएट कर गया, या थोड़ा भी इरेटिक रहा, इरेगुलर रहा, तो अल्टीमेटली ये 3000 क्यूबिक किलोमीटर का सेक्शन इस चार महीने वाली बरसात से आ रहा है, और कुल भारत में बरसात से 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी बन रहा है, और उसका 3000 अकेला मानसून से ही है। इसलिए हमारा बजट, हमारी सारी व्यवस्थाएं मानसून पर खड़ी रहती हैं। मानसून थोड़ा भी बिगड़े सब कुछ बिगड़ सकता है। इस बार मानसून बिगड़ा है, अगस्त के महीने में
उतनी वर्षा नहीं ठीक ठाक हुई। तो आप देख सकते हैं रोज़ खबरें आ रही हैं कि जितने रिजर्वायर हैं डेक्कन रीजन में साउथ में वो सारे के सारे बहुत डाउन चल रहे हैं इस बार। और अभी आप हिसाब लगाइए अगला मॉनसून आने में कितना समय पड़ा है, वो सब नीचे डूब रहे हैं, रिजर्वायर कम हो गए हैं। तो क्योंकि रेनफॉल इस बार जुलाई अगस्त में तो हैवी रहा, अगस्त में आकर के एकदम से बिगड़ गया। सितंबर में थोड़ी सी भरपाई हुई बट वो बात बन नहीं पाई। ओके सो ये कहानी है। सो रेनफॉल इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। फ्रॉम प्रेसिपिटेशन अलोन इंडिया रिसीव्स 4000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। ऑफ दिस मॉनसून रेनफॉल दैट इज़ फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर अलोन अकाउंट्स फॉर अबाउट 3000 क्यूबिक किलोमीटर। अब इसमें भी आगे एक प्रॉब्लम है, वो क्या? इतना आपको मिल रहा है तो आप कहेंगे पर्याप्त है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा। क्यों? अ गुड पार्ट ऑफ इट इज़ लॉस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। तो बारिशें होंगी, ज़मीनें हैं, नदियां हैं, झील झरने हैं, तो एवेपोरेशन भी तो होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। और फिर वनस्पतियां, पेड़ पौधे सब पानी लेंगे, उनकी जड़ें पानी खींचेंगी, तो बाद में पत्तों के बाया एवेपोरेशन होगा, उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो एवेपोरेशन और प्लांट ट्रांसपीरेशन की मदद से भी पानी जो पृथ्वी को मिल रहा है भारत में वो हवा में वापस चला जाता है पर्यावरण में। सो अ गुड पार्ट ऑफ इट इज़ लॉस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड प्लांट ट्रांसपीरेशन। लार्ज पार्ट परकोलेट्स एंड इज़ अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर। एक बड़ा हिस्सा सीप इन हो जाता है, परकोलेट कर जाता है धरती में, ग्राउंड में, और हमें बाद में ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है। अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें, टोटल भारत में कितने वाटर रिसोर्सेज हैं, अलग अलग ऐसे एस्टिमेट्स हैं। हम जिस एस्टिमेट पर रिलाई कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ओवरऑल वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज़ 1869 क्यूबिक किलोमीटर। ओके दैट इज़ बिलियन क्यूबिक मीटर। तो लगभग आप मान के चलिए 1870 क्यूबिक किलोमीटर हमारा टोटल वाटर रिसोर्सेज हैं। ओके ड्यू टू वेरियस कॉन्स्टेंट्स ऑफ टोपोग्राफी एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ओवर स्पेस एंड टाइम द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इज 1122 किलो क्यूबिक किलोमीटर। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि देश में रेनफॉल की वजह से, प्रेसिपिटेशन की मदद से हमें 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी प्राप्त होता है। अब इस फिगर से आगे बढ़ें तो हम, वो तो सिर्फ वाटर है, पर हम वाटर को रिसोर्स, तब वाटर, वो वाले वाटर को वाटर रिसोर्स कंसिडर करेंगे जो यूटिलिटी में आएगा, हमारे यूजेबिलिटी में आएगा, हमारे जिसको हम कहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। क्योंकि वो पानी का बड़ा हिस्सा एवेपोरेट भी हुआ, मान लीजिए ट्रांसपीरेशन में भी चला गया, है ना। तो ऐसे में हमने जो हमारे सारा असेसमेंट किया, हमने ग्राउंड वाटर का असेसमेंट किया, हमने सरफेस वाटर का असेसमेंट किया, सारा असेसमेंट करके हम इस कंक्लूजन तक पहुँचे कि लगभग 1870 क्यूबिक किलोमीटर या 1870 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के संसाधन भारत के पास हैं, वाटर के रिसोर्सेज भारत के पास हैं। लेकिन अब इसमें भी प्रॉब्लम है। अब ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट करना किसी चीज़ का और आपको उपलब्ध होना बड़ा फ़र्क है, है ना। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई कुछ एग्जिस्ट कर रहा है पर आपको तो उपलब्ध नहीं है, आपको तो एक्सेसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि चांद पे शुरू से ही बहुत सारे मिनरल एग्जिस्ट कर रहे थे बट आपको तो एक्सेसिबल नहीं, आपको उपलब्ध तो नहीं था, आप वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, कई प्रॉब्लम्स थी, और अब पहुँच गए तो आप उपलब्ध हो जाएंगे आपको। ओके ऐसे में ये पानी उपलब्ध कर रहा है, ये पानी एग्जिस्ट कर रहा है पर आपको उपलब्ध हो रहा है, ऐसा हो सकता है ना हो। क्यों? उसका कारण है क्योंकि कई तरह के बाधाएँ हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, टोपोग्राफी की बाधा है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर रिसोर्सेज का ओवर स्पेस एंड टाइम। मतलब क्या है? तो देखिए बहुत सारे ऐसे पानी के स्रोत हैं जहाँ से उसे एक्सेस करना मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ हैं, पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, प्लेट्यू रीजन्स हैं, डेंस फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, यू कैन नॉट एक्सेस वाटर फ्रॉम दैट एरियाज, टोपोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स आर देयर। अच्छा सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, पानी हमारे देश में स्पेस और टाइम वाइज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो क्या? अब आप ध्यान से देखिए, 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी पैदा हो रहा है वर्षा से,
पर 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर तो अकेला मानसून के मंथ में मिल रहा है। तो ऐसे में जब एक आपको मतलब कि 4 बाल्टी पानी जो है आपको मिलना है, और 4 बाल्टी पानी के मतलब हर क्वार्टर में, पूरे साल को अगर मैं 4 क्वार्टरों में बांटूं तो हर क्वार्टर में एक एक बाल्टी मिलेगा, तो आपके पास लेने का स्कोप होगा, उसे जमा करने का स्कोप होगा, लगाने का स्कोप होगा, बट उसमें से 4 बाल्टी पानी में से 3 बाल्टी पानी में एक ही क्वार्टर में दे रहा हूँ आपको, तो आप कहेंगे इतना पानी लेके रख लेने की क्षमता नहीं है, रखने को बर्तन नहीं है, और लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा पानी पानी हो गया है सब कुछ। आज के दिन की मेरी ज़रूरत पानी की पूरी है, कल देना, पर वो कह रहे हैं आज ही देंगे, लेना है तो ले ले, सारा पानी तुझे देंगे, आज ही देंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप एक महीने में 5 मेंबर्स का परिवार 40 किलो आटा खाते हो, लेकिन कोई ये कह रहा है कि आटा 40 किलो तुमको देंगे, लेकिन एक ही दिन में देंगे और उसके अगले दिन ले जाएंगे, तो आप उसे कहेंगे कि एक ही दिन में खाएंगे कहाँ से सारा आटा। तो यहाँ से प्रॉब्लम आती है, हमारे देश में यही कहानी है। अब देश भर की जो कुल वर्षा है 90% 4 ही महीनों में हो रही है, और होता क्या है उन दिनों में, साउथ की नदियाँ जो हैं वो बारिश से भर जाती हैं, वो फ्लड करने लग जाती हैं, और पानी बरसात के रूप में जैसे ही गिरा नदियों में झर करके समुंदर में, तो हमारे पास उतने इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हैं कि हम उस झर से आए पानी को कंजर्व कर लें आगे के महीनों के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, उत्तर भारत की नदियाँ बरसात से उफान में आ जाती हैं फ्लडिंग स्टेट में, दूसरा उन्हीं दिनों में बर्फ़ भी पिघलती है। अब गर्मियों में ही मानसून भी आता है, गर्मियों में ही बर्फ़ पिघलती है, तो 3 दिन बारिश पड़ती नहीं है तो रिवर फ्लड होने लग जाती है, और वो सारा बह बह करके समुंदर में जा रहा होता है। तो ऐसा है कि कोई पानी दे रहा है पर वो हमारे खेतों के खलिहानों के मनुष्य के इस्तेमाल में आने की बजाय सीधा समुंदर में जाके मिल जा रहा है। तो ऐसा है कि आपका लैंड तो सिर्फ एक मीडियम ही बना है पानी रिसीव होने का, पानी गिरा निकल गया समुंदर में मिल गया, ख़त्म कहानी। इसकी वजह से होता यह है कि टाइम वाइज ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, साल भर स्प्रेड नहीं होता, 2-3-4 महीनों में ही कंसंट्रेटेड है, और स्पेस वाइज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वेस्टर्न इंडिया का वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न इंडिया है, साउथ वेस्टर्न इंडिया है, उसका जो वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप्स हैं वो हैवी रेनफॉल हैं क्योंकि वो विंडवर्ड साइड पे आती हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट के जस्ट ईस्टवर्ड अब बादल सूख चुके हैं तो वो इट इज़ ऑन द लीवर्ड साइड, तो वहाँ पर बरसातें नहीं हैं, वो सूखा है। अच्छा, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो वहाँ पर मानसून के कारण वहाँ तो बरसात अच्छी खासी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है वो सूखा रहेगा। उसका कारण है, कारण ये है हमारे देश में मानसून की एंट्री आखिर हो कहाँ से रही है, किस तरीके से रही है, और उन्हें ऑब्स्ट्रक्शंस कहाँ से मिल रही हैं। तो सपोज़ करिए हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे देश में बारिशें साउथ वेस्ट मानसून से होती हैं, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, और रस्ते में इसके यहाँ पर अगर हम बात करें सपोज़ कीजिए तो ये पहाड़ आ रहे हैं जिन्हें आप वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, तो इनसे टकरा करके ये जो वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न साइड है यहाँ पर तो चलो अच्छी खासी हैवी रेनफॉल है, 400 सेंटीमीटर से शुरू करके ऊपर तक जाएंगे 200-250 सेंटीमीटर तक मिलेगी, बट इसके इधर जब बादल पहाड़ पे ऊपर चढ़ के सूख जाता है, ढलान की तरफ इधर गिरता है, तो ये रीजन तो रेन शेडो एरियाज है ना, तो यहाँ पर उतनी बारिश नहीं है, सोच के देखिए। और जबकि ये कितना बड़ा चौड़ा रीजन है, इतने नैरो रीजन में इतनी ज़्यादा बारिश क्या करेंगे वो लोग उसका, और इतने बड़े रीजन में कम बारिश, तो वो बेचारे बारिश की किल्लत से चूक रहे हैं। अच्छा चलो, ये ब्रांचेज साउथ वेस्ट की आ रही हैं तो इंडिया के जो टिप है उससे टकरा के ब्रांचेज ऐसे बट जाती हैं, तो ये ब्रांच ऐसे गई, अब ये चढ़ के यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ पर फिर से माउंटेन मिल रहे हैं, मेघालय के पर्वत हैं, दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय हैं, यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा बरसात है, बहुत ज़्यादा। मेघालय में चेरापूंजी मौसिनराम आपको पता है सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाला एरिया है, लेकिन इसके अलावा जब ये ब्रांचेज यहाँ इंडिया में एंटर करेंगी तो यहाँ पर उड़ीसा का इलाका है, बंगाल का इलाका है, यहाँ अच्छी बारिश है, बट जैसे जैसे अंदर जाएंगी बादल सूखते जाएंगे, इन रीजन्स में बारिश कम है। जो हिमालय से टकराएंगी शिवालिक से, वो टकरा के हिमालय के फुटहिल्स पे अच्छी बारिश देंगी, जब वहाँ से रिवर्ट होंगी पंजाब और बाकी क्षेत्रों की तरफ आएंगी तो उतनी सूखी होंगी, ये वाली गलती से चढ़ के जम्मू कश्मीर और बाकी क्षेत्रों में जाएंगी और ये यहाँ से बारिशें करते हुए सूख करके उधर जाएंगी, यहाँ पे बारिशें उतनी नहीं होंगी। तो इस तरह से ये जो सेंट्रल इंडिया रीजन है,
ये जो साउथ का डेक्कन प्लेचू का रेन शेडो एरिया है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ये कम बारिश वाले क्षेत्र हैं। बट वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स और ये ईस्टर्न रीजन्स द बंगाल, उड़ीसा, ये हैवी रेनफॉल एरियाज़ हैं। तो स्पेस वाइज रेनफॉल इज़ हाईली कंसनट्रेटेड इन फ्यू एरियाज़ एंड द अदर एरियाज़ आर डिवाइडेड। अब मेघालय और राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, दे आर ऑन द सेम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, बट मेघालय हैविंग समवेयर अराउंड 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड दिस राजस्थान हैविंग जैसलमेर ओनली 12 सेंटीमीटर रेनफॉल इन अ ईयर। सो ऑन द सेम लैटिट्यूड वन स्टेट हैविंग 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल, अनदर स्टेट हैविंग 12 सेंटीमीटर रेनफॉल, लुक एट द डिफरेंस। तो उसको स्पेस वाइज रेनफॉल बहुत लोपसाइडेड है, ओके, इट इज़ हाईली लोपसाइडेड, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द स्पेस एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द टाइम, ओनली फॉर द 3-4 मंथ्स। इस कारण